स्टूडेंट्स, आज हमारे पास ना दो टॉपिक हैं छोटे छोटे, ठीक है। एक सेल्फ इंडक्शन है और एक है म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर, हम इनका ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। जितना हमारे एनटीएससी में इसका यूज है बस उतना इसका आइडिया लेंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट हमारे पास इसका, जैसे हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे ना तो उसमें यूज होगा, इसलिए हम इसका थोड़ा आइडिया लेते हैं कि दो फिनोमिनाज होती क्या है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होता है, कॉइल हो ऐसी कोई, देखिए इस तरह की मान लो एक कॉइल है, ठीक है, और यहां हमने कोई बैटरी लगाई है, यहां पे हमारे पास एक टैपिंग की होती है, ठीक है, ऐसे ये वाली की को क्या बोलते हैं, टैपिंग की, ठीक है, प्लस माइनस। टैपिंग की का मतलब यहां पे क्या है कि ये की क्या करेगी, करंट को धीरे धीरे बढ़ाएगी, ठीक है, मैक्सिमम तक ले जाएगी, फिर इसको धीरे धीरे इंक्रीज कर देगी। जैसे स्विच होता है ना की, उसमें तो क्या होता है, नॉर्मल स्विच या की में तो हमारे पास सिंपली हम स्विच ऑन करते हैं और करंट मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, बट जीरो से मैक्सिमम तुरंत हो जाता है। इस केस में ये क्या है, करंट स्लोली इसमें इंक्रीज करेगा, राइट। या फिर ये हो सकता है कि जैसे हमारे पास ये कॉइल है और इसमें हमने एसी की सप्लाई की, याद है ना लास्ट लेक्चर में हमने एसी पढ़ा था, उसमें एसी का जो फॉर्मेशन था वो ये था ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यही था। तो हमने ऐसा इसलिए दिखाया इसके अंदर कि ये एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई में तो करंट क्या होता है, कंटिन्यूसली वैसे ही चेंज हो रहा होता है मैग्नीट्यूड में, और साथ साथ डायरेक्शन में भी चेंज होता है। एक्चुअली हमें इस सिचुएशन में करंट वेरिएबल चाहिए, चाहे तो वो मैग्नीट्यूड में साथ साथ डायरेक्शन दोनों में हो, चाहे एटलीस्ट मैग्नीट्यूड में हो, ठीक है। तो ये फिनोमिना कहती क्या है, ये याद है आपको, इस तरह की फॉर्म मैं आपको रिमाइंड करवा दूं एक बार, ऐसा कुछ बनाया था हमने, याद हो तो। सोलेनोइड याद आया, ऐसा हमने एक सोलेनोइड बनाया था, सॉरी नीचे, ठीक है, ये सोलेनोइड था। तो ये हमारे पास कॉइल की वो, ये कार्डबोर्ड है ना जिसके ऊपर हमने क्या किया था, इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड कर रखी थी। तो एक तरह से सोलेनोइड हमारे पास होता क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है, सोलेनोइड एक तरह का इस तरह का स्ट्रक्चर ही होता है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, इसको मैं सोलेनोइड भी बोल सकता हूं, ठीक है, सोलेनोइड, ठीक। तो ये जो फॉर्म इसमें होगा क्या कि जब इसमें करंट फ्लो करेगा, तो आपको याद हो तो इसमें क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, सोलेनोइड हमने पढ़ा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैं अगर रफली ऐसे बनाऊं, ये सोलेनोइड है, ठीक है, और सोलेनोइड का एक फेस कैसा था, नॉर्थ पोल, एक फेस कैसा था, साउथ पोल, वो एज ए बार मैग्नेट बिहेव करता था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर इस तरह से हो जाती है, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि जब इसमें करंट पास होगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा इस कॉइल में। ये वही तो है यहाँ पे जो हमने कनेक्ट कर रखी है इसके बीच में इन टर्मिनल्स पे, ठीक है। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड ये जो टर्न्स हैं इन्हीं टर्न्स के एरिया से भी तो पास हो रहा है ना, ठीक है। मैं आपको एक वो एक सेकेंड ये देखिए, ये टर्न्स थी तो हैं इसके अंदर सोलेनोइड में, क्या है ऐसी ऐसी बहुत सारी टर्न्स हैं, और जो फील्ड है इसके अंदर, फील्ड लाइन्स हैं वो ऐसे ही इसके अंदर से जा रही है ना। तो देखिए फील्ड लाइन जब किसी एरिया से पास होती हैं तो क्या होता है उसमें, और ये नॉर्मल ये एरिया ऐसे ही तो है, और फील्ड लाइन्स ऐसे जाएंगी सारी, बहुत सारी टर्न्स हैं, एक दो तीन ऐसे करके एक के बाद एक, ठीक है, और फील्ड लाइन्स ऐसे पास हो रही हैं उसमें से। तो फील्ड लाइन्स देखो नॉर्मली पास हो रही हैं, तो इसमें डेफिनेटली क्या होगा, फ्लक्स, राइट। अब अगर ये फ्लक्स है और अगर मैं कहूँ कि ये एरिया क्या फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, क्या इसके अंदर फील्ड लाइन्स हैं,
नॉर्मली बिल्कुल है, क्या फ्लक्स है, है, लेकिन क्या ये फील्ड चेंज हो रहा है? फील्ड किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। अगर मैं यहां से करंट चेंज कराऊंगा तो ये फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा? सॉरी भाई, तो इसमें क्या होगा, ये फील्ड चेंज होगा, ठीक है। फील्ड चेंज होगा तो डेफिनेटली इसमें क्या चेंज होगा, फ्लक्स। और जब फ्लक्स चेंज होगा ना तो इसमें क्या इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, है ना। और ईएमएफ इंड्यूस होगी तो इसमें क्या फ्लो करेगा, करंट, मतलब इंड्यूस्ड करंट होगा। अब एक करंट तो ये हो गया हमारा अप्लाइड, और एक करंट उसमें इंड्यूस हो रहा है। जो ये करंट इंड्यूस हो रहा है किस कॉइल में, उसी कॉइल में जिसमें कि हम करंट चेंज कर रहे हैं, क्लियर। जिस कॉइल में हम करंट चेंज कर रहे हैं उसी कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्लियर बात समझ में आया। तो जब ये टैपिंग की मदद से करंट चेंज करें, तो एक हमने एसी अप्लाई कर दिया, और जब एसी अप्लाई कर दिया तो डेफिनेटली करंट तो डायरेक्ट कंटिन्यूसली चेंज ही होता रहता है। मैग्नीट्यूड में एक बार इंक्रीज फिर डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है, तो इसके अंदर तो ईएमएफ इंड्यूस होती ही रहेगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, देखो whenever there is a change in electric current in a coil, ये coil ही समझिए एक तरह से, ठीक है, in a coil, then then flux changes across the same coil and hence current is induced in same coil नॉन एज सेल्फ इंडक्शन, या हम दूसरे शॉर्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, फिनोमिना ऑफ इंडक्शन ऑफ करंट, फिनोमिना ऑफ इंडक्शन ऑफ करंट इन द सेम कॉइल इन विच करंट इज चेंजिंग, जिस क्वाइल में हम करंट को चेंज कर रहे हैं उसी क्वाइल में करंट का इंड्यूस होना क्या क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्शन बन जाता है, ठीक है। तो चाहे एसी है तो वो चेंज हो रहा है, चाहे टैपिंग की से हमने एक एग्जांपल लिया, क्लियर बात। एक बार इसको ध्यान से सोचिए मैंने क्या बताया, बहुत ही सिंपल। लास्ट कंक्लूजन की बात करें तो वो ये है हमारे पास कि जिस क्वाइल में हम, क्वाइल की फॉर्म आपके सामने है, जिस क्वाइल में हम करंट चेंज करवाएंगे अगर कांस्टेंट करंट फ्लो करे तो कुछ नहीं होना, ठीक है। अगर हम जिस इस क्वाइल में करंट चेंज करवाएंगे तो इसी में एक और करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना, ओके। एंड इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ना, देखिए, एंड induced EMF is, बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि जिस क्वाइल में हम करंट चेंज करवाएंगे उसी क्वाइल में एक करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होने से पहले क्या कहेंगे, EMF इंड्यूस होगी, और फिर क्या होगा, करंट। तो चाहे करंट बोलिए चाहे EMF बोलिए, EMF इंड्यूस होगी उसी क्वाइल में जिसमें हमने करंट चेंज करवाया, दैट फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन, राइट। अब वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी ना किस पे डिपेंड करेगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। भाई करंट जो है ना वो चेंज होगा तभी इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा,
और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी ना। तो कंक्लूजन ये हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स तब चेंज होगा जब इसमें करंट चेंज होगा ओवरऑल। ठीक है, अगर करंट ही कॉन्स्टेंट रह गया तो फील्ड भी कॉन्स्टेंट, फील्ड कॉन्स्टेंट तो एरिया पहले ही कॉन्स्टेंट था, और फील्ड भी कॉन्स्टेंट हो गया करंट के कॉन्स्टेंट होने से तो फ्लक्स भी कॉन्स्टेंट रहेगा। तो हम क्या करें, करंट चेंज करवाएं ताकि इसमें फील्ड चेंज हो, फील्ड चेंज होगा तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि जो ईएमएफ इंड्यूस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। आई लगा देता हूं इसमें, ठीक है, साथ में माइनस लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं बताता हूं। उसके बाद एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगाएंगे हम, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, दो चीजें यूज की हमने, डी आई बाई डी टी तो आप समझ गए होंगे क्या है, डी आई बाई डी टी रेट ऑफ, ये एक्चुअली डी आई हमारे पास क्या होता है, वही आई फाइनल माइनस आई इनिशियल, और डी टी आप जानते हैं टी टू माइनस टी वन, या टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, समझ गए ना। तो हमारे पास जो करंट चेंज होगा वो क्या होगा, जो भी फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, तो इसको चेंज इन करंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी ना, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी भी लिखते थे, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास डी आई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट माइनस साइन और एल, वेयर L क्या है, देखिए ये जो हमारे पास है ना ये वाला, इसका एक नाम होता है जिसको बोलते हैं, जैसे हमारे पास रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर है ना, पढ़ा हमने रजिस्टर, जिसका रजिस्टेंस होता है, तो जो रजिस्टर हमारे पास होता है उसी तरह यहां पे ये भी इसका नाम होता है इंडक्टर। क्या होता है, इंडक्टर, और ये क्या है उसकी इंडक्टेंस है। जैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है वैसे ही इंडक्टर का क्या होता है, इंडक्टेंस। ओके, तो इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, जैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है वैसे ही इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है। इसका मतलब ये भी कुछ रेजिस्टर की तरह ही होता है सर्किट में, बिल्कुल वैसे ही कुछ कुछ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंडक्टेंस, और माइनस साइन क्या आ गया, देखिए नेगेटिव साइन, ये इंपॉर्टेंट है देखना, नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिस द अप्लाइड ईएमएफ, अपोजिस द अप्लाइड ईएमएफ। इसको नॉट डाल के अलग से लिख लेना, क्या ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, मान लीजिए अप्लाइड ईएमएफ ई थी, अप्लाइड ईएमएफ समझते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हमने, वो ई था मान लो, तो जो ई आई होगा वो उसके क्या होगा, अपोज करने वाला होगा, मींस ई आई इज इक्वल टू होगा माइनस ई, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगी वो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगी। अपोज करने का मतलब है कि जो करंट इसकी वजह से या इसकी वजह से इसमें फ्लो करेगा उसको जो इंड्यूस करंट है वो फ्लो होने से अपोज करेगा। बात समझ रहे हो मेरी, जो करंट इंड्यूस होगा वो करंट जो ये अप्लाइड करंट है इसको फ्लो होने से अपोज करेगा। और रजिस्टर भी तो क्या करता था, करंट के फ्लो होने का अपोज ही करता था ना। तो हमारे पास ये, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि उसमें चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, रजिस्टर में वो एक तरह ही काम करता था, लेकिन इस केस में क्या है, अगर ये डीसी है और कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, क्या कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो ना तो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन, और करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो फील्ड चेंज नहीं होगा, फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगी, इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगी तो करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो अपोजिशन भी नहीं होगा। समझ में आई बात, तो हमारे पास जब ये कॉन्स्टेंट, अगर इसमें डीसी सप्लाई कर दी जाए तो ये कुछ भी अपोजिशन नहीं देता है। ठीक है, अगर देखें एसी की बात करें तो ये बात समझ में आ गई ना,
कि एल क्या है इसमें, इंडक्टेंस है एक तरह से इसका। अब आप सोच तो रहे होंगे कि अगर वो अपोज करता था तो उसका रेजिस्टेंस आर होता था, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा क्या? इस रेजिस्टेंस का नाम होता है, देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज नॉन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस उसको डिनोट करते हैं एक्सेलसियर, वो होता है एल ओमेगा। हल्का समय इसको आपको ज्यादा बता रहा हूं पर इसको समझना, ठीक है, आपके लेवल से थोड़ा ज्यादा है। देखो ये जो एक्सेल है ना, ये है एक तरह से रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, ठीक है, और उसका वैल्यू होता है एल ओमेगा। अगर मैं कहूं ओमेगा क्या है तो होता है 2π ν, और न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर मैं कहूं कि फॉर एसी फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, वो क्या होती है हमारे पास, इक्वल टू 50 हर्ट्स इंडिया में, जो अल्टरनेटिंग करंट है ना इंडिया में, जो सप्लाई हमारे घर पे जो सप्लाई आती है ट्रांसफॉर्मर से, वो एसी होती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्स, ठीक है। देखिए हमने एसी को एक वेव की तरह बनाया था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, उसकी वेवलेंथ भी होगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्स, नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कुछ 0 के इक्वल नहीं है तो एक्सएल भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा एसी के केस में। लेकिन अगर बात करें डीसी की, तो डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है भाई। देखिए फॉर डीसी न्यू जो होता है हमारे पास 0 होता है, तो एक्सएल भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो जब डीसी सप्लाई होगी तो ऐसे में कोई अपोजिशन नहीं करेगा ये, मतलब इसका कोई अपना जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है नहीं इंडक्टर वाला, ये नहीं होगा इसमें। इस क्वाइल का अपना जो वायर वाला जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है वही इसमें होगा। लेकिन अगर एसी सप्लाई कर दी ना, तो ये इसके हिसाब से रेजिस्टेंस होगा 2π ν के हिसाब से, ओमेगा ओमेगा यहाँ पुट करेंगे, उसका अपना एल होगा। एल किस पे डिपेंड करता है, देखिए ये और बता देता हूँ मैं आपको, एल किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉयल, कॉयल की मैन्युफैक्चरिंग कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है एक तरह से। एल पर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, कितनी इसकी लेंथ है, राइट, उसके ऊपर डिपेंड करता है एल, ठीक। तो आप कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, कंक्लूजन ये है कि एक कॉयल टाइप ये सोलेनोइड जो होता है, अगर उसको सर्किट में लगाओगे तो उसके अंदर अगर करंट कांस्टेंट तो फ्लो करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एज ए वायर ही बिहेव करेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उसमें करंट चेंज होगा, अगर उस कॉइल के अक्रॉस करंट चेंज होगा, तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि उसमें करंट चेंज हो रहा है उसमें, ठीक है। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी तो वो ईएमएफ इंड्यूस किसको अपोज करे, उसमें करंट इंड्यूस होगा, और वो करंट किसको अपोज करेगा, जो करंट अप्लाइड है, या एक तरह से अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगी, कौन, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। फिर वो अपोज करेगी, मतलब एक तरह का रजिस्टर है वो, रजिस्टर का नाम क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं उसको, लिखते किससे, एक्स एल से, वैल्यू क्या होती है, एल ओमेगा, ओमेगा क्या है, ओमेगा है, देखिए डीसी अगर पास करवाएंगे तो नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा आएगा ही नहीं इसमें इंडक्शन वगैरह, लेकिन हम एसी पास करवाएंगे उसमें से, तो एसी तो करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी, तो ऐसे में ये ओमेगा क्या होगा, 2π ν, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अगर कहीं पे न्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, किसमें, डीसी में, तो वहां ये फिनोमेना ही नहीं होगी, डीसी के केस में सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना नहीं होती है, ठीक है। ये टैपिंग की के बारे में आप सोच रहे होंगे, मैं डीसी लगा के ये फिनोमेना देखना चाहता हूं, डीसी सप्लाई दे के ये फिनोमेना देखना चाहूं, तब के लिए टैपिंग की है, जो करंट को स्लोली स्लोली इंक्रीज करेगी, ठीक है। लेकिन अदरवाइज हमारे पास डीसी सप्लाई में कोई इंडक्शन फिनोमेना नहीं होती है, सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना ही नहीं होती है, समझ लीजिए, ठीक है।
तो सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना कहाँ होगी फिर? ये होगा जब एसी सप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि एसी में करंट भी चेंज होता है टाइम के साथ और डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एसी में ऐसा होता है तो वो कितना होगा, वो इस तरह से निकालेंगे हम। एक्सएल की वैल्यू एल ओमेगा होती है, ओमेगा हमारे पास 2π न्यू होता है, न्यू की वैल्यू क्या होती है 50 हर्ट्ज होती है इंडिया के अंदर, ठीक है। अमेरिका में 60 हर्ट्ज होती है पावर सप्लाई, हमारे पास 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट की सप्लाई होती है अमेरिका में, 1110 और 60 हर्ट्ज, 1110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की सप्लाई होती है, ठीक है। डीसी हमारे पास, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी जीरो, तो एक्सएल भी क्या हो जाएगा जीरो। और ये जो एल है वो किस पे डिपेंड करता है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इस कॉइल की इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्लियर बात, ये हमारे पास क्या है, सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना। अगर इनमें यूनिट्स की बात करें ना, तो एक्सएल देखिए यूनिट जो होगी एक्सएल की तो ओम ही होगी, क्योंकि एक तरह का क्या है रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। मैंने बताया ना ये रेजिस्टेंस ही है, लेकिन इंडक्टिव रेजिस्टेंस कहेंगे इसको एक तरह से, ठीक है। तो ये ओम ही होगा। और जो ये एल है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। बस थोड़ा आप ध्यान रख लेना इसको, इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी, ओके। एच कैपिटल एच से लिख देते हैं इसके, ये जस्ट फॉर आपको एक थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ज्यादा इसको सोचना मत, ठीक है। देखिए आगे इसमें हमारे पास है हमारी नेक्स्ट फिनोमिना म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन की तरह ही कुछ है इसमें भी, कि करंट चेंज होगा और करंट चेंज होने की वजह से किसी कॉइल में करंट चेंज होगा और उस करंट चेंज होने की वजह से ही ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा। लेकिन इसमें कुछ इस तरह से है, देखिए ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, जिसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ये हैं, ठीक है, ओके। और अगर मैं कहूं कि इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, देखिए ये परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड प्लेन रखी हुई है, तो ऐसे करंट फ्लो किया तो इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी, क्लियर। अब ये इसको हम नाम दे देते हैं प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल वन, ठीक है। ठीक सामने एक दूसरी कॉइल रखी हुई है, ठीक है, इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी कॉइल बोल देंगे इसको। ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी कॉइल, कॉइल नंबर टू, ठीक है। देखिए पहले वाली में करंट फ्लो हो रहा है, ओके, उसकी वजह से जो फील्ड लाइंस हैं वो दूसरे वाली में पहुंच रही हैं, राइट। ये ऐसे रखी हुई है, देखिए ये वाली ऐसे और ये वाली ऐसे आमने सामने, ठीक है। इसमें जो फील्ड, इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसकी फील्ड लाइंस उधर पहुंचेंगी सामने वाली के पास, और वो भी ऐसे ही रखी हुई है, फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स होगा, राइट। अगर इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें भी जो फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा इसकी वजह से, क्योंकि इसका फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा करंट कांस्टेंट होने से। लेकिन अगर इस करंट को चेंज किया जाए तो क्या होगा, अगर इस करंट को चेंज करें तो सामने वाली जो कॉइल है उसमें, पहले तो इसी में देखिए, इसमें जो करंट चेंज होगा तो इसमें फील्ड चेंज होगा, ठीक है। अगर इसका फील्ड चेंज होगा तो वहां भी फील्ड चेंज होगा, यही तो फील्ड जा रहा है ना वहां भी, तो यहां जो फील्ड चेंज होगा इस वजह से इसमें क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। अगर इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या इंड्यूस होना चाहिए, ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो इंड्यूस करंट होगा। यही फिनोमिना है कि जब किसी प्राइमरी कॉइल में, इसका एक डायग्राम ऐसे भी बन सकता है हमारे पास, देखिए कुछ इस तरह से एक कॉइल ऐसे बना दी हमने, देखिए पिछले सोलेनोइड की तरह ही था ना ये, इसमें एसी सप्लाई कर दें, एसी तो वैसे ही चेंज होता है, ठीक है। फिर दूसरी कॉइल इसके सामने हो रही है, ये वाली, इसमें हम गैल्वेनोमीटर लगा देंगे चेक करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसमें क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है हमारे पास। ये प्राइमरी कॉइल हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, सेकेंडरी कॉइल, समझ गए होंगे आप। ये वाला भी डायग्राम हो सकता है,
ये सिंपल फॉर्म बनाई मैंने इसकी एकदम समझने के लिए कि अगर इस कॉइल में करंट चेंज होगा तो जो पड़ोस वाली कॉइल है ना, सेकेंडरी कॉइल जिसको हम कह रहे हैं, उसमें फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज किसको लीड करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ को, दैट इज इंड्यूस्ड करंट। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं हम, इसमें भी होगा कि प्राइमरी कॉइल है इसमें करंट चेंज होगा, तो एसी अगर अप्लाई कर रखा है तो करंट चेंज हो ही रहा है समझो, नहीं तो हम इसमें सिंपली कहेंगे इसमें करंट चेंज होगा, तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसे इसमें पहुंचेंगी यहां से, तो इसमें क्या चेंज होगा फिर फ्लक्स, इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। यही फिनोमिना हमारे पास क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है। लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल देन EMF is induced and hence current in the secondary coil is known as mutual induction। इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, उसमें तो क्या था, उसी कॉइल में करंट चेंज कर रहे थे और उसी में क्या हो रहा था, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, तो सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना। और ये वाला क्या हो जाएगा, एक जिस कॉइल में हमने करंट चेंज किया उसके पड़ोस में रखी हुई दूसरी जो कॉइल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसमें करंट इंड्यूस होगा, दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन है वो भी उसी पे डिपेंड किया, किस पे, चेंज इन करंट पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे। तो देखिए ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, इसको लिखिए, समझिए कि क्या मैंने लिखा। यहां पे सिंपल सा एक लॉजिक है कि एक कॉइल में आप करंट चेंज करवाइए, दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा जो उसके बराबर में रखी हुई है, क्योंकि जो पहले वाली कॉइल में करंट चेंज होने से दूसरे वाली कॉइल में क्या चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, एंड दिस चेंज इन फ्लक्स लीड्स टू द इंड्यूस्ड करंट। क्लियर, दिस इज नॉन एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसका जो, देखिए ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल इज प्रोपोर्शनल, तो मैथमेटिकल देखिए इसमें क्या, तो ईएमएफ इंड्यूस induced EMF is directly proportional to di by dt। ठीक है, di by dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। देखिए करंट तो अप्लाइड हमारे इसी कॉइल में है ना, तो प्राइमरी कॉइल में, तो ei, सिंपल e भी लिख सकते हैं या इस तरह epsilon टाइप भी इसमें, माइनस एम डी आई बाई dt, इसमें करंट आई, दैट इज डी आई बाई डी टी, इसी में होगा। सिंपल सा यही फॉर्मूला हमने उसमें लिखा था एक तरह से, और यही इसमें। तो इसमें हमारे पास देखिए स्टेटमेंट समझ में आ गई ना, मैंने, और देयर इज अ चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ये भी एक लाइन और भी लिख सकते हैं इसमें साथ से कि करंट इन प्राइमरी कॉइल, चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल, देन चेंज, देर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड हेंस देर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस करंट। क्लियर, तो जैसा आपको सुटेबल लगे, अगर आप समझ गए होंगे कंसेप्ट को तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सीधा सीधा मतलब है, एक कॉइल है उसमें आप करंट चेंज करिए, पड़ोस में रखी हुई दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, अगर हो जाती है तो दैट फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन, अगर नहीं होता है तो वहाँ म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो रहा, हो सकता है उससे बहुत दूर रखी हो
या किसी इस तरह से रखी होगी, उसके अंदर फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा प्राइमरी में करंट चेंज करने से, तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा। अब यहां इसकी बात कर लेते हैं, सिंपल है। ये एम क्या है, देखिए ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है ना, ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जैसे उसमें सेल्फ इंडक्टेंस होता था। और वही नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शोज दैट हुई अपोजिशन। कौन सा लॉ याद करिए, इंडक्शन का बेसिक लॉ, लेंज लॉ। अब इसके अंदर जो सेकेंडरी कॉइल हम बना रहे हैं या यहां बनाई थी, इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि इसका जो कॉज है इसी को ये अपोज करे। तो देखिए, अगर मान लो फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ठीक है, और इसके अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है, मतलब ये वाला जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में और बढ़ रहा है, तो इसमें जो करंट है ना वो इस तरह से होगा कि फील्ड इधर हो जाए, इंड्यूस करंट का जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में अपोजिट। अगर फ्लक्स बढ़ता है तो अप्लाइड फील्ड और इंड्यूस फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अगर फ्लक्स कम होता है तो अप्लाइड फील्ड और इंड्यूस फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड करंट, और वी कैन से दैट ईएमएफ अपोज द अप्लाइड अपोज द चेंज इन, ये लिख लीजिए, चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट कह दीजिए या ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ चेंज होगी तभी तो करंट चेंज होगा, ठीक है, ईएमएफ कांस्टेंट रहे करंट कैसे चेंज हो जाएगा। क्लियर, यूनिट इसकी भी क्या है, एम की यूनिट भी हेनरी होती है, मैं यहां लिख देता हूं, ज्यादा सोचने विचारने वाली बात नहीं है इसके अंदर, हेनरी, ठीक है, कैपिटल एच इसका सिंबल होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास क्या फिनोमिना है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द करंट इन प्राइमरी कॉइल देन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड हेंस इंड्यूस करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना। क्लियर, तो दो फिनोमिना हमने पढ़ी, एक म्यूचुअल इंडक्शन हमारी और एक हमारे पास सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना। इसी के बेसिस पे हमारे पास आगे हमें एक दो डिवाइस पढ़ने हैं, ठीक है।